पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। किताब खोलते ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान लगता ही नहीं है, फोकस होता ही नहीं है यार। तारीख भी नजदीक आ रही है और सिलेबस भी बहुत बाकी है और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पढ़ने के कुछ देर बाद ही उबासी या भाई नींद आने लगती है। मुंह पे पानी मार के फिर से पढ़ने बैठता हूँ तो डिस्ट्रक्शंस तो है ही परेशान करने के लिए। फोन में घंटे निकल जाते हैं भाई, पता भी नहीं चलता, पर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं क्या? शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। शायद मैं स्कूल ड्रॉप आउट मिलियनर बनूंगा, बिजनेस कर लूंगा। यार पगला गए हो क्या? क्या मन नहीं करता बे? किन चीजों का मन करता है? टीवी पे फालतू के शोज देखने का, रोबोट्स की तरह इंस्टा एफबी को स्क्रॉल करने का, या किसी इंसान से घंटों पर व्हाट्सएप पे चिपके रहने का? ऐसी फालतू चीजों का मन ही क्यों करता है? कभी सोचा है कुछ सही करने का मन क्यों नहीं करता? कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें माइंड को स्ट्रेस पड़ता है, तुम्हारे आलसी दिमाग को जोर लगाना पड़ता है, मेंटल पेन होता है जो तुम सहने के लिए तैयार ही नहीं हो। एंटरटेनमेंट के वक्त हिप्नोटाइज होके बस बैठे रहना है, दिमाग चलाना है नहीं, इसलिए तो दुनिया एंटरटेनमेंट के पीछे पागल हुई पड़ी है। और एजुकेशन सबको बोरिंग और बकवास लगता है, पर इस दुनिया के जो बेस्ट 1% हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने हमेशा एंटरटेनमेंट के बदले एजुकेशन को चुना है, प्रेजर्स के बदले मेंटल स्ट्रेन को चुना है। क्योंकि एक हीरो कभी भी दर्द से भागता नहीं है, वो दर्द सहता है। भागना तो कायरों का काम है। और क्या मन नहीं करता? मन नहीं करता, कभी सोचा है मन है क्या? इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ प्लेजरेबल डिजायर्स, सिंपल भाषा में मजे मारने की मशीन, जिसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में भले तुम्हारी वाट लग जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, पर अभी इमीडिएटली मजा आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो उस काम को छोड़ो। मन काम करता है फीलिंग्स पे। कौन सी फीलिंग्स? प्लेजर की फीलिंग्स, मजे की, एकदम टेम्पररी। अब तुम मुझे बताओ यार, कि अपने पेरेंट्स की इतनी सारी एफर्ट्स और पैसों को सिर्फ एक फीलिंग के बेस पे वेस्ट करना सही है? पेरेंट्स को छोड़ो यार, क्या खुद का कैरियर एक टेम्पररी फीलिंग के बेस पे वेस्ट करना सही है? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। पर मैं अपने मन को किस बेस पे हराऊं? जरूरत के बेस पे, क्योंकि जरूरत कोई फीलिंग नहीं, प्रैक्टिकल फैक्ट है। क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मार्क्स लाने या एग्जाम्स आ रही है, पर इसलिए ताकि तुम एक जगह पर घंटों पर अपना फोकस लगा सको, उससे अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को एक्सट्रीमली इंक्रीज कर सको, और इस पावर से कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्किल या मुश्किल से मुश्किल नॉलेज को भी आसानी से एक्वायर कर सको। इन शॉर्ट, एजुकेशन का दर्द सह के तुम अपने मन पे काबू पा सको। और तुम्हें क्या लगता है बे, ये स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनर सब अनपढ़ गवार है? इन्होंने पढ़ाई नहीं की? अबे तुम्हारे लिविंग रूम से बड़ी इनकी लाइब्रेरीज होती है, और जितनी बुक्स तुमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ी, उससे कई ज्यादा बुक्स वो हर महीने पढ़ते हैं। ओ शिट, मतलब जिन लोगों में ड्रॉप आउट्स मानता था, वो एक्चुअल में बिना डिग्री के स्कॉलर्स है, और जिस चीज से मैं इतना ज्यादा दूर भाग रहा था, वो मेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, इससे मेरा इतना ज्यादा फायदा है, और मैं इसी को टाले जा रहा था सिर्फ एक अनकंफर्टेबल बुरी फीलिंग की वजह से। और भाई बात तो सही है, मेंटल स्ट्रेन सहकर अगर मैंने पढ़ाई पे फोकस कर लिया और उस सब्जेक्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन करना सीख लिया जो मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, फिर तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। पढ़ना शुरू, मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे मुश्किल और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट को ही सबसे पहले ले रहा हूँ। मेंटल स्ट्रेन पढ़ रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोन पे नोटिफिकेशन आ चुका है, हाथ फोन की तरफ बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फोन स्विच ऑफ, मैं पढ़ूंगा। मुझसे और नहीं होगा, नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत पढ़ लिया भाई, आज के लिए काफी है। जी नहीं, तारीख नजदीक है, यूट्यूब खोल, कैरी मराठी चंचलानी, जो देखना है देख, गेट रिफ्रेश और फिर से भाई तू पढ़ने बैठ। आई एम रिफ्रेश्ड, आई एम रेडी, आई विल स्टडी, एक चैप्टर और, एक क्वेश्चन और, मैथ्स का वो टफ एक्सरसाइज एक और बार, एक सम और, सारे केमिकल फॉर्मूलास एक और बार, सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस एक और बार, ट्रिग्नोमेट्री एक और बार, पीरियोडिक टेबल एक और बार, रेसिड्यू लेंथी आंसर्स एक बार और। अब तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पर तारीख नजदीक है, मैं पढ़ूंगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, पर तारीख नजदीक है, डिस्ट्रैक्ट होए बिना मैं पढ़ूंगा। भले ही कितना भी आलस आ जाए, कितना भी मन ना करे, मॉम डैड का भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। टीवी या स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेंटल स्ट्रेन रहूंगा, मन को हराऊंगा, और नहीं होगा कहकर हार नहीं मानूंगा। किताब खोल के फिर से बैठूंगा, फिर से पढ़ूंगा, मन लगा के, ध्यान लगा के, पूरी जान लगा दूंगा, पर आज तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। मजा आए या दर्द हो, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। अच्छी फीलिंग हो या बुरी, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। अरे दुनिया की सबसे बोरिंग चीज पढ़ाई ही क्यों ना हो, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। दिन रात एक कर दूंगा, पर आज तो मैं पढ़ूंगा, न मार्क्स के लिए, न फर्स्ट रैंक लाने के लिए, लेकिन मैं पढ़ूंगा अपने कॉन्सेंट्रेशन को इन्फिनिटी तक एक्सपांड करने के लिए, अपनी फीलिंग से ऊपर उठने के लिए, खुद के मन पर विजय पाने के लिए। मैं पढ़ूंगा लिमिटलेस बनने के लिए। पूरी दुनिया जीतनी है यार, तो इन 7-8 फुद्दू से सब्जेक्ट से हार कैसे मान सकता हूँ? आराम से खत्म कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा, बिकॉज आई एम अ सुपर ह्यूमन।